हाँ भाई, क्या हाल है भैया? इस समय मौजूद हूँ मिलान इटली के एक होटल में। हमारे बहुत से दोस्त गोगलो मियां ने यहाँ पहुंचना था 2 दिन पहले, और वो पता नहीं कौन सी कराकोरम एक्सप्रेस में बैठ के निकला अफ्रीका से। वो 4 मुल्कों से होता हुआ फ्रैंकफर्ट पहुंचा कल रात को, और अभी वो कह रहे हैं मैं स्विट्जरलैंड पहुंच रहा हूँ। तो मैं सोचा मिलने उससे स्विट्जरलैंड जाता हूँ। स्विट्जरलैंड के बारे में क्या चाहता है? इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज इन द वर्ल्ड, लेकिन बहुत सारी चीजें एक्सपेंसिव नहीं होती, क्वालिटी उनकी बड़ी अच्छी होती। तो ये भी चीज हम आपको बताएंगे ऐसी क्या क्या चीज है जिंदगी में। तो आइए चल के वॉकिंग ट्रेन ट्रेवल लॉग सब कुछ करते हैं, गली बल्ली गोगलो मियां से मिलने चलते हैं बर्न स्विट्जरलैंड। आइए जरा मेरे साथ। तो भैया छठ से मैंने अपना सामान पैक किया, तमाम एसेंशियल्स डाल, टैक्सी मंगाई, खूबसूरत पैनोरामिक रूफ वाली। क्या मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, और हम पहुंचे मिलान के सेंट्रल स्टेशन जो हमारे एयरपोर्ट से भी बड़ा है। भैया इतना बड़ा स्टेशन, फुल एयरपोर्ट वाला माहौल, कि जर्मनी से आ रही है कोई, स्विट्जरलैंड जा रही है कोई, फ्रांस से निकल रही है। अरे भैया प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे मेरी ट्रेन थी, और यहाँ पे ट्रेन टाइम पे चलती है, ना कोई सीटी बजती, ना कोई सायरन, ना कोई आवाज लगाता है, खली वल्ली। 3 मिनट पहले आपका भाई पहुंचा, सामान सुकून से दरवाजे के पास रखा, कोई टेंशन नहीं कि कोई सूटकेस उठा के ना ले जाए, टेंशन फ्री माहौल में हम आराम से बैठे। फिर ट्रेन गुजरी खूबसूरत इटली की वादियों से, खूबसूरत पहाड़, बादल, क्या व्यूज थे, क्या नजारे थे। और भैया कब स्विट्जरलैंड एंटर हुए पता ही नहीं चला, ना कोई ठप्पा लगा, ना कोई पुलिस, ना कोई सायरन, ना कोई पासपोर्ट की चेक, आराम से नजारा ही चेंज हो गया भाई। खूबसूरत पहाड़, उस पे खूबसूरत घर बने हुए, गायें घूम रही हैं, घास खाती फिर रही हैं, क्या नजारे थे। और यही नजारे देखते देखते 4 घंटे के अंदर अंदर आपका भाई पहुंच गया स्विट्जरलैंड के शहर बर्न में। दुनिया का महंगा तरीन मुल्क है भैया, तो कॉफी और क्रोसा से मैंने दिन शुरू किया, वह 15 यूरो बिल बन गया भाई। स्टेशन से निकलते ही ट्राम में बैठे, ट्राम में बैठ के सीधा होटल गए, चेक इन किया, और फिर हमने इंतजार किया गोगलो मियां का। हाँ जी, तो मैं तो पहुंच गया हूँ बर्न गोगलो, रस्ते में गोगलो ढाई पे तक आएगा, सुबह 10:30 हुए, टाइम टू टाइम चली और टाइम टू टाइम पहुंची भाई। एक मुल्क से दूसरे मुल्क से अभी निकलते हैं स्टेशन से और होटल की तरफ चलते हैं भाई। सुबह जल्दबाजी में निकला था तो सोचा भाई थोड़ी पेट पूजा कर लें, तो क्रोसा वगैरह ही खाया जा सकता है कॉफ़ी के साथ, या फिर फ्रूट सैलड वगैरह। भाई वो कहते ना क्यों भाग रहे हो, ट्रेन छूट रही है, वो देखो भाग रहे हैं, ट्रेन छूटती है तो ऐसे ही भागना पड़ता है भाई। वो यार जनरली लोग बहुत तेज चलते हैं भाई, काम से जा रहे हैं, मोटे होता है, हल्ली वल्ली नहीं टहल रहे हैं बस। भाई ये यहाँ का ट्रेन स्टेशन है, एयरपोर्ट से भी खूबसूरत, सबसे खूबसूरत जो मैंने देखा है ना रेलवे स्टेशन, वो बर्लिन का। ठीक है ये छोटा शहर है तो उसका इतना ग्रैंड नहीं है, बट बर्लिन का हो क्या ही बात है। और स्टेशन से निकलते ही ये नज़ारे, मौसम बहुत मज़े का है, हवा चल रही, धूप है, धूप चुभ नहीं रही, वेरी नाइस स्क्वायर। तो ये ऊबर मंगाते हैं। यहाँ पे अकेले घूमने के लिए एसेंशियली आपको सिर्फ एक सिम कार्ड चाहिए होता है, जिस पर डेटा चल रहा हो, डेटा पे सब बताता है कौन सी बस या कौन सी ट्रैम या कौन सी अंडरग्राउंड मेट्रो कितने बजे आएगी। और यहाँ हर चीज़ इतनी टाइम टू टाइम होती है कि वो एग्जैक्ट उस स्केड्यूल पे चलती है। तो अभी मुझे बता रहा है कि 9 नंबर की ट्रैम लेके मुझे होटल की तरफ जाना है, सामने ट्रैम है, उधर भी ट्रैम है, तो अभी बस मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि 9 नंबर वाली एक्सपो की साइड पे कहाँ से जा रही है। एंड दैट्स इट, ये टिकट की मशीन है, यहाँ से आप आराम से टिकट लेके निकल सकते हैं। तो भाई जैसे गूगल ने बताया नंबर 9 ले लिए, एक्सपो की तरफ जाना है, तो इट्स दैट सिंपल, यहाँ से टिकट लेंगे, हल्ली वल्ली चढ़ जाएंगे, पहुँच जाएंगे, वेरी सिंपल। सो 4.5 स्विस फ्रैंक का टिकट है और ये हमारी ट्रैम पहुँच गई। अगला स्टॉप हमारा है और इस नेबरहुड में हमारा होटल है, और देखने से ही महंगा लग रहा है भाई। ये बर्न का एक्सपो सेंटर है, यहाँ पे कॉन्सर्ट अटेंड करना है, और ये आपके भाई का होटल प्लानिंग प्रो मैक्स, सामने ही होटल ले लिया, पैदल ही आना है। सामने लिखा हुआ इंटरलाकिन वाली सवारी उस साइड चलती है, इंटरलाकिन एज वी ऑल नो सुपर एक्सपेंसिव। हाँ जी, हमेशा के लेट लतीफ गोगलो मियां फाइनली। भाई कहाँ रह गया था तू यार, तुम इटली आना था, यहाँ कहाँ घूम रहे हो? भाई मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, वो भी ट्रेन के थ्रू, कभी मैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, बस यही चल रहा है पिछले 2 दिन से। पहुँच क्यों नहीं पाए, कौन सा टिकट ले लिया यार? एक फ्लाइट मेरी कैंसिल हो गई, उसके बाद वो बर्न, 2 बर्न है यहाँ पे, एक जर्मनी में बर्न है, एक स्विट्जरलैंड में बर्न है। तो तू वहाँ चला गया था? मैं जर्मनी वाले बर्न में चले गया था, नॉर्थ साइड पे बेटा तूने, और इधर जो मेरी बर्न हो रही थी वो चल कल्ली वल्ली, अब तो आ गया ना, चला एक्सप्लोर करते हैं। ये रे 3 तारे हैं लेकिन ये उलझ नहीं रही, एंड देयर ऑल पावरिंग ट्रैम एंड अदर थिंग्स। सोचे यार इस गली में आपका अपार्टमेंट हो और गली तक जो है ना आपको ट्रैम छोड़ने आए, क्या सीन है भाई। यार इट्स अ ट्यूसडे, इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ पे, क्या टाइम हो रहा है अभी? 5:30 बज रहे हैं, देखिए इनका वो रश आवर है,
मतलब काम हो गया, ये सारा फैसल है, रश नहीं है, आराम से लोग कैफेज में बैठे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा, कोई टीडी पापा। देख सारे पैसे ना खामोशी के हैं, आप जितने बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे उतना खामोश होगा, जितने छोटे वाले जाओगे और नारी रोटी शोर होगा। तो किसी भी चीज का तायुन करना हो जगह का, तो उसकी साउंड लेवल डेसिबल लेवल से आप कर सकते। यार कोई रश ही नहीं है यहाँ पे, तो यार क्या वजह है? सब अपने अपने घर चले गए काम करके, लग रहा है मुझे। वो तो घर भी तो सड़क से ही गए होंगे ना यार। अच्छा देख, इतनी सड़क में तीन तीन ट्रामे गुजरी हैं, तो ऑब्वियसली जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी बेहतरीन है, क्या जरूरत है सबको गाड़ी निकालने की एवरी टू मिनट्स। अब ये देखो ना, सब साइकिल पे जा रहे हैं, ओके सीन है यार। ये देखो कॉफी हाउस, ब्यूटीफुल यार। सब छोटी गली चेक कर रहे हैं, सुकून प्रो मैक्स, महंगे घर होंगे ऑफ कोर्स। अच्छा जी, बाहर मुल्कों में ये भी ट्रेंड है, किसी को कोई चीज़ नहीं चाहिए होती ना, वो बाहर रख देते हैं, ले जाए कली वली। अरे दैट्स गुड, एज गुड एज न्यू। मेरी अम्मा देख लें, सुजुकी मंगा लें फौरन। बहुत पीसफुल नेबरहुड है भाई। कहाँ रह गया भाई तुम्हारा लेबनीज? यार इस सन्नाटे में लेबनीज ने क्यों खोला है? सस्ती जगह मिल गई होगी। अबे नहीं, ये सस्ती लग रही है भाई, पूरा कासल है सामने। कासल है, चर्च है, चर्च है, ये राउंड अबाउट चेक करें यार। अभी हम तीन ही घूम रहे हैं यहाँ पे, तो रेजिडेंट इवल वाइब्स आ रही है यहाँ से। यहाँ से आएगा भी भक्ता वापस आए। पैसे ना बोल भाई, अबे कितनी खामोशी है यहाँ पे, अपनी सांसों की आवाज खुद आ रही है। अबे सब साइकिल में, कोई कोई बाइक नजर नहीं है। ये भी नहीं है, बाइक्स खड़ी हैं बट लाइक सब साइकिल में, हालांकि चढ़ाई पे भी जा रहे हैं। हमेशा की तरह बच्चों के लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटी पार्क्स मौजूद हैं। तंदुरुस्त तवाना नेबरहुड की निशानी। छोटा सा रेस्टोरेंट है, लोग बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, खामोशी चेक करें। बस तो भाई मेरी हमेशा की सेफ बेट, डोनर कबाब, गोगलू, क्या था लैम्पेंसी, क्या नाम था इसका, आई डोंट नो, बेजल चिकन फ्राइज एंड सैलेड। भाई क्या बिल बना था यहाँ? 70 फ्रैंक का बना था भाई, और एक फ्रैंक 306 रुपए का है। 306 रुपए 80 पैसे, 21,000 रुपए के डोनर कबाब, तभी पार्सल करा लिया भाई ने। महंगा महंगा भाई, अभी ऐसी आवाजें ट्रांसफॉर्मर फट गया देखा तो, बाजी पथारा बन करके जा रही है अपना। 8 बजे हैं और डिनर टाइम हो चुका है, यहाँ लोग 6:30 खा लेते हैं, हमने भी कर लिया है, और बस अभी निकले में शपाटर बना करने, और देखते हैं शहर में और क्या क्या। भाई अमेरिकन ने इनको आदत नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो जब ये चलती है गिर जाते हैं। भाई क्या ख्याल है इसका, क्या कहना है? अमेरिका में तो सब गाड़ी में घूमते हैं भाई, यही है 11 नंबर की बस है। नहीं बट व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट, यार बहुत कन्वीनियंस है यहाँ पे, है ना, बहुत ज्यादा जगह जगह पे ट्राम और बसेस और ट्रेन, इट्स ब्यूटीफुल। भाई यहाँ ज्यादा अट्रैक्शन मुझे समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा सिटी सेंटर आ गया हूँ गोगलुमिया के साथ, और थोड़ा हम ये एक्सप्लोर करेंगे। हाई स्ट्रीट मुझे नजर आई थी, खैर अब तो 8 से ऊपर का टाइम हो गया तो बंद हो गया होगा मोस्टली, मगर वाइब ही चेक कर लेते हैं। और जी ये बड़ा खूबसूरत सा सिटी सेंटर है, ये गलत पार्किंग हो गई जहाज की, और ये पीछे आप देखें कैफे कल्चर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पुरसकून खुली फिजा में खाना पीना, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो है ही बेहतरीन। आए स्विस घड़ियाँ देखते हैं भाई, ये तो मशहूर ही घड़ियों पे है, चेक करते हैं इसकी प्राइसेस। सो एज आई सेड, कैफे कल्चर, लोग शाम में बाहर आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, सामने स्टैचू भी हैं, और ये जो चलते हुए पानी की आवाज है भाई, सुकून प्रो मैक्स। अरे स्विस बैंक भी देखिए इधर भाई, स्विस बैंक चले क्या? चलो अकाउंट खुलवाए, 350 खुलेगा अकाउंट सामने। यार क्या मैग्निफिसेंट, इट लुक्स लाइक अ चर्च बट आई एम नॉट श्योर ये क्या है, बट सुकून प्रो मैक्स। और ये सामने स्विस नेशनल बैंक आ गया, और इधर आप देखते हैं, सही तफरी है। अरे मेरा मोबाइल ही ना गीला हो जाए भाई। तो भाई ये मार्केट प्लेस है, और 7 बजे सब बंद हो जाता है, लेकिन खुले शोकेस में भाई लॉन्ग शॉम के बैग्स रखे हुए हैं, चप्पलें रखी हुई हैं, उधर भी भाई फुल डिजाइनर विजाइनर छोड़ा हुआ है भाई, क्राइम ही नहीं है, अल्ली वल्ली है भाई। क्या प्राइस है? लेकिन हेयर कट कितने का? 25 फ्रैंक का दे रहे हैं, 25 फ्रैंक नहीं, 6,000 रुपए, 6,000 प्लस समथिंग, महंगा ले लिया उस्ताद। भाई रैंडम एक्सप्लोरेशन में बड़ा मजा आता है, ये चेक करें अभी मैं, रैंडम हम चलते चलते आए, पहले सामने आप बादल चेक करें, ब्रिज ऑल द वे ऊपर जा रहा है, पूरा क्रॉस करेंगे। इस ब्रिज का इंतज़ार था मुझे, क्योंकि इसके नीचे बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं, खूबसूरत पानी नज़र आया था मुझे जाते हुए, वो रहा।
Look at that. इसका आप कलर चेक करें, क्लीन एज अ विसल, सुभान अल्लाह। ये देखे भाई, ये रिवर के साथ जो है छोटा सा फुटबॉल फील्ड, क्या ही मजा आता होगा यहाँ क्रिकेट। इनकी बॉल बहुत जाती होगी बस, मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन सेहत का क्या मयार होगा। उधर भाई सनसेट हो रहा था तो मैं सोचा रोड पार करके यहाँ आके आपको सही वाला आकुआ का एसेंस दिखाऊं। कलर चेक करें आप, सुभान अल्लाह क्या कुदरत के नज़ारे भाई। महंगाई प्रो मैक्स रेड बुल 6 फ्रांक की, तो पानी 4 और 6 बड़ी बोतल, 6 छोटी 4। चेक करें भाई।